सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल हमने डिटरमाइनर जो थे वो हमारे थोड़ी बहुत जो रिमेनिंग थे वो करने के लिए बोला था, आज हम फिनिश करेंगे। सो फर्स्ट इज बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। इसका अपोजिट ऑल होता है, राइट? बोथ और ऑल, दोनों में क्या, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस इज कि दोनों के अंदर बोथ में टू पर्सन की बात हो रही है, यानी कि दो लोग, और ऑल के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है? जैसे वन पर्सन होता है ना, इसके साथ वन ऑफ द भी होता है, वन ऑफ यानी कि उन सब में से एक, ठीक है? और अगर बोथ होता है तो इट मीन्स दो पर्सन, क्लियर? जैसे कि देखो, आई वॉज एब्सेंट एंड माई ब्रदर वॉज ऑल्सो एब्सेंट, ठीक है? तो दोनों में मैंने दो सेंटेंस ज्वाइन किए एंड, दोनों के अंदर मैंने दो सेंटेंस ज्वाइन किए वो भी एंड से। तो मैं अगर चाहूं तो दोनों को एक बना सकती हूँ बोथ लगाकर। कैसे? बोथ आई एंड माय ब्रदर वर एब्सेंट, ठीक है? सो बोथ मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, all means when we are talking about so many persons या so many things, बहुत सारी चीजों के बारे में बात होती है तो वहां all होता है, दो की बात होती है तो वहां पर both होता है, one of my friend is very ill, मेरे सारे दोस्तों में से एक जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट वन, और फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स, उन सब में से एक की बात हो रही है तो वहां पर वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है? वहां पर जब हम सब में से एक की बात करेंगे तो वन ऑफ द, राइट? जब हम सब में से एक की बात कर रहे हैं तो वहां पर वन ऑफ द, चाहे वो कोई भी चीज है, कोई पर्सन है, कोई थिंग, कोई प्लेस है, क्लियर? तो ये हमारे डिटरमाइनर्स है, बोथ ऑल वन ऑफ द, ये भी डिटरमाइनर का एक पार्ट है, ये भी डिटरमाइनर के अंदर ही आते हैं। तो इनका यूज करते हुए हमेशा किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, बोथ एंड ऑल, बोथ आर प्लूरल, दोनों प्लूरल है, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी दैट वुड बी इन प्लूरल फॉर्म, राइट? हमने कल ऑल किया था तो वहां पर हमने क्या किया था, ऑल के साथ प्लूरल फॉर्म लगाई, ठीक है? ऑल हिज बुक्स वर टॉर्न, उसकी सारी बुक्स फट गई थी, तो ये क्या है, बुक्स प्लूरल है, तो यहाँ वर आएगा। सबसे बड़ी बात हमने क्या लिखा है, ऑल। तो जहां पर ऑल आता है पहले ये नोटिस करेंगे कि उसके बाद जो नाउन आएगा इट वुड बी इन प्लूरल फॉर्म, राइट? बुक इज अ नाउन, प्लूरल में। बोथ, बोथ जहां पर है वहां पर हमारे पास टू सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम दो पर्सन को, दो थिंग को, दो जगह को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आई और माय ब्रदर, दो वहां पर पर्सन है, दोनों को ज्वाइन किया बोथ से, तो जहां बोथ होगा वो भी प्लूरल सेंस होगी क्योंकि वहां पर टू करेक्टर्स ज्वाइन हो रहे हैं। वन, जब वन की बात होती है तो वहां पर क्या आता है, पीछे हमेशा आपको मिलेगा प्लूरल नाउन, जैसे फ्रेंड्स लिखा है मैंने यहाँ, वन के पीछे आपको मिलेगा प्लूरल सब्जेक्ट,
तो आपको क्या करना है, वन को देखते हुए हमें यहाँ पर वर्ब लगाना है। कैसे? क्योंकि मैंने बोला सारे फ्रेंड्स में से एक, वन की बात हो गई, तो जब वन की बात होगी तो वहां पर हमारी वर्ब जो है वो पीछे सिंगुलर हो। हमेशा इस चीज को नोटिस करना, ऑल ऑफ द, वन ऑफ द, ऑल ऑफ द जहां पर है वहां पर भी पीछे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वन ऑफ द जहां पर है वहां पर भी प्लूरल सब्जेक्ट ही होगा, बट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज जहां ऑल होगा वहां वर्ब होगी प्लूरल में, और जहां वन होगा वहां पर वर्ब होगी सिंगुलर, राइट। देन वी हैव नेक्स्ट, ईदर, नीदर, नन, ठीक है, हमने पढ़े इधर और, इधर नॉर, राइट, इधर और नीदर नॉर हमने पढ़ा हुआ है, और नन ये भी हमने पढ़ा हुआ है, नन मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जहां पर इधर और दोनों साथ साथ यूज हो गए तो इट मीन्स देज आर कनेक्टर्स, ठीक है, वहां पर वो दोनों कनेक्टर्स का काम करेंगे। नीदर नॉर दोनों साथ साथ यूज होंगे, इट मीन्स वो दोनों क्या है, कनेक्टर्स, उन कनेक्टर्स का यूज करना होता है, जैसे कि वो सेंटेंस का ऐसा मतलब जो सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे वो कनेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर इधर और नीदर नॉर जहां पर होगा वो एज अ कनेक्टर वर्क करेंगे। अब इधर अकेला हो राइट, इधर अगर अकेला होगा तो वो डिटरमाइनर में हम काम करते हैं। इधर का मतलब क्या होता है, चॉइस, आपके पास चॉइस है कुछ भी करने के लिए, आप उस चीज को चॉइस में लेके चलोगे। इधर आई और माय ब्रदर बोथ कैन कम, या तो मैं या फिर मेरे भाई, दोनों में, दोनों आ सकते, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो चॉइस होती है। यू कैन चीज इधर आइसक्रीम और चॉकलेट, तुम दोनों में से एक चीज ले सकते हो। तो वहां पर इधर जो होता है वो कनेक्टर के टाइम पे यूज हुआ है, ठीक है, जैसे कि इधर चॉइस दिखाएगा दोनों में से एक, either of my brother attended the function, ठीक है। तो वहां पर हम कैसे यूज करेंगे, either का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है, either का मतलब है सिंगुलर, neither का मतलब है, neither का मतलब होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, नन भी नेगेटिव फॉर्म है, either or positive form, ठीक है, ये positive है, ये negative है, ये भी negative है, जहाँ पर either होगा choice है, but इसमें है positive में, ठीक है, neither होगा मतलब choice तो है, choice तो वहाँ पर भी है, जहाँ neither होगा nor होगा choice तो वहाँ पर भी है, but negative sense में दोनों में से कोई भी, तो वहाँ पर negative sense में choice, ठीक है, जैसे कि neither of the book was interesting, मतलब सारी बुक्स में से कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं थी, neither of the book was interesting, मतलब कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं, ठीक है, none has attended the meeting, मतलब किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं किया। तो जहां पर ये भी यूज हो रहे हैं, इट मींस वो भी एक कनेक्टर, मतलब किसमें, डिटरमाइनर की फॉर्म में आ रहे हैं, कनेक्टर ही इस तरीके से बनते हैं, अगर अकेले यूज होते हैं डिटरमाइनर की तरह हम सेंटेंसेस के अंदर उनको यूज करते हैं,
नेक्स्ट जो हमारे डिटरमाइनर्स रह गए इनके बाद में, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग है वो है पोजीशंस। पोजीशंस जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो पोजीशंस आएंगी ऑल आर इन डिटरमाइनर्स। ये डिटरमाइनर्स के अंदर आते हैं। आप किसी भी पोजीशन पे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 19, 20, 21, जो भी पोजीशन है वो सारी है हमारे डिटरमाइनर के अंदर। ठीक है, जैसे कि आई गॉट सेकंड पोजीशन इन द रेस। ठीक है, तो सेकंड के बाद पोजीशन आया। पोजीशन मतलब आपका जो स्थिति है, किस आप लेवल पे आए हो। तो ये पोजीशन यहाँ पर नाउन यूज किया, सेकंड यूज किया, तो सेकंड इज अ डिटरमाइनर। तो यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर। तो हमारे जितने भी पोजीशन आती हैं वो सारी किसके अंदर आती है, डिटरमाइनर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे डिटरमाइनर्स जो है वो क्लियर होते हैं। अगर कोई एक आध रिमेनिंग है तो वो आपके असाइनमेंट्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है कि हमें ये समझ में नहीं आता। किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके का, आपसे बात कर रही हूं मैं, मेरे पास किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही है।